जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपा द किचन। कैसे हैं आप? और आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और गणेश जी के लिए आज बनाएंगे भोग, मोदक चावल के आटे से और हेल्दी, तो आज ही बनाए हैं ताकि आज ही वीडियो अपलोड हो जाए। और जो चावल के मोदक बनाते हैं ना, वो जो मतलब हाथों हाथ बना के ही फ्रेश फ्रेश खाते हैं ना, तो ही टेस्टी लगते हैं ये, ताज़ा ताज़ा। इसलिए आज सुबह जल्दी उठ के लग गई थी। देखिए यहाँ लगा है, मैंने एक कटोरी चावल का आटा लिया है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है चावल का आटा। एक कटोरी उतना ही लिया है। मैंने कोकोनट लिया, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, जितना आटा लिया उतना ही लिया है। और गुड़ लिया है आधी कटोरी, ये काला वाला गुड़ ही हम यूज़ में लेते हैं, वो आपके पास जो भी हो गुड़ वो ले ले, आधी कटोरी। और यहाँ यहाँ पे एक दो चम्मच खसखस, पोज के दाने भी बोलते हैं, तिजारा का दाना भी बोलते हैं इसे, खसखस लिया है। और साथ ही में लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में अपने मनपसंद के आप कोई भी ले ले फ्रेंड, जैसे कि मैंने बादाम लिए हैं और इनको बारीक चॉप कर लिया है। तो और साथ ही में किशमिश, और ये दो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम और किशमिश। और इसके साथ में चाहिए होगा सॉल्ट, और जो ये नमक लिया है देखिए, चुटकी भर नमक चाहिए, और चाहिए होगा घी। घी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, बस एक चम्मच घी लगेगा। तो इन सारी सामग्री से बना लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, तो सबसे पहले जो खसखस है ना, पोस के दाने हैं, उसको रोस्ट करेंगे। और ज़्यादा नहीं करना होता है, सिर्फ एक मिनट के लिए गर्म कढ़ाई में इसको चलाना है। और निकाल लिया है, और अभी कढ़ाई है गरम, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है, क्योंकि वैसे भी मेल्ट है, पहले से ही गुड़ पिघला हुआ है, तो गैस ऑफ कर दिया है। और बस अब इसी के गरम कढ़ाई के अंदर ही मैंने पहले गुड़ को पिघला लेंगे, घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है नीचे। और अब जब गुड़ पिघल गया है, तो इसमें डाल देंगे अपना किसा हुआ नारियल। नारियल को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और अब इसके अंदर डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है फ्रेंड्स, इसको चॉप भी कर सकते हैं बारीक बारीक, और पीस भी सकते हैं। बारीक चॉप किए ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है फ्लेवर। और साथ ही में खसखस जो अपन ने सेक के रखा है, और डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, किशमिश जो भी लिया है, वो सब कुछ इसमें डाल के बस मिक्स करना है। तो स्टफिंग जो है बहुत ही आसान है, और देखिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगे हैं इसके अंदर, जो अपने किचन में अवेलेबल है। स्टफिंग बन के रेडी है फ्रेंड्स, तो अब इसको अपन ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में। अब यहाँ लिया है मैंने एक भगोनी लिया है, उसके अंदर जितना आटा था चावल का उतना ही लिया है पानी, और पानी डाल दिया है। और पानी के अंदर अब डालेंगे चुटकी भर नमक, और नमक के साथ ही डालेंगे यहाँ पे एक छोटी चम्मच घी बस। और जब पानी में अच्छे से बॉयल आ गया था, तब आटा डाल दिया है, और इसको कर लेंगे मिक्स, चावल के आटे को मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसको अभी मैंने गैस ऑफ कर दी, क्योंकि इसे पकाना नहीं होता है, और 10 मिनट के लिए मैंने इसको साइड में रख दिया था। ये देखिए, ये अब भगोने से निकाल लेते हैं, हल्का अभी गर्म है ये। और अब इनको इसको ये देखिए कितना ड्राई ड्राई सा है ये, मतलब लिक्विड नहीं होना चाहिए, ये देखिए इस तरह का सूखा सूखा है। अब इसको बहुत ही अच्छे से हाथों से मैश करते हुए इसे चिकना करेंगे, हाथों पे घी लगाते हुए इसको चिकना करेंगे। तो चावल के आटे के मोदक बना रही हूँ आज फ्रेंड्स। आपको वीडियो बताइएगा, मुझे कमेंट्स में लिखिएगा कैसा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये चावल के जो मोदक बनाए जाते हैं, वो ताज़ा ताज़ा अच्छे लगते हैं खाने में, इसलिए आज गणेश चतुर्थी है, तो आज ही वीडियो बनाया, आज ही अपलोड करना है इसलिए सुबह। ये देखिए इसमें थोड़ा सा बस टाइम लगता है इसको चिकना करने में, हाथों पे घी लगा के, और इस तरह इसको बहुत ही अच्छा चिकना कर लेंगे और फिर मोदक बनाएंगे।
ये देखिए अब कितना चिकना, मतलब स्मूथ सा बन गया है ये एकदम। हाँ कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए, स्मूथ करना है बिल्कुल। इसके अंदर बनता बहुत जल्दी है, बहुत ही आसान है और टेस्टी बहुत लगते हैं, क्योंकि हेल्दी होते हैं ना ये, गुड़ के बने होते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और सबसे पहले जो स्टफिंग है उसकी इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। इसे खुला भी रख सकते हैं, लेकिन इसे लोई बना के गोलियाँ बना के रख लेंगे तो स्टफिंग फिर बाद में सही रहेगा अपन जब बनाएंगे मोदक। तो छोटी छोटी गोलियाँ बना लूँगी सारी, ये देखिए। ये बीच बीच में हाँ है मेरी बेटी। और अब हाथों पे घी लगा लिया है, और घी लगाने के बाद में इस तरह से एक लोई लेंगे और इसका एक पेड़ा बनाएंगे। ये हाथों से प्रेस करते हुए जैसे पूड़ी बनाते हैं छोटी सी, जैसे मोटी सी बना लेंगे, पूड़ी जैसा शेप दे लेंगे हाथों से। और बस अब इसमें स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग भरने के बाद में बस इस तरह से अपन को मोदक का शेप देना है। अगर मोल्ड है फ्रेंड्स आपके पास तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, मेरे पास मोल्ड तो नहीं है, पर अपन मोदक का शेप हाथों से दे लेंगे। बस इसको चारों तरफ से यूं मिक्स मिला देंगे और मोदक का शेप दे लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सारे मोदक बन के रेडी हो गए हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक छलनी ली है, उसको जो है घी से जो है ग्रेस कर लिया है। और घी लगाने के बाद में चिकना करने के बाद में सारे मोदक रख देंगे और इसको अपन भाफ में पकाएंगे। स्टीम के लिए यहाँ पर जो है मैंने एक जुगाड़ लगाया है फ्रेंड्स, तो क्योंकि स्टीमर नहीं है तो जुगाड़ के एक भगोना ले लेंगे और उस भगोने के अंदर नीचे पानी डाला है 1 से 1.5 कप। कटोरी रखी है, कटोरी के ऊपर जो अपनी चलनी है मोदक वाली उसको रख दिया है। और अब इसको कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद में इसको 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के बीच में भी एक बार चेक कर लेंगे अपन, देख लेंगे एक बार। और 10 मिनट बाद में जो है मैंने गैस ऑफ कर दी थी और इसको ऐसे छोड़ दिया था कि जो भी कोई कसर हो जो गर्म है भाफ में जो है वो पक जाएगा, और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसको निकालेंगे। ये देखिए ठंडा हो गया और इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सारे मोदक बन के तैयार है। चावल के आटे के और गुड़ के हेल्दी भगवान का भोग गणेश जी का मोदक बन के तैयार है। आप भी इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही ईजी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्णा।